सभ्यता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सभ्यता और संस्कृति में अंतर क्या है। कई बार हम लोग बोलचाल की भाषा में सभ्यता और संस्कृति को एक ही मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में सभ्यता और संस्कृति दोनों अलग अलग हैं। ये दोनों आंशिक रूप से भिन्न हैं। अंग्रेजी भाषा में सभ्यता को सिविलाइजेशन और संस्कृति को कल्चर कहा जाता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सभ्यता क्या है, सभ्यता के प्रकार और दुनिया में कितनी तरह की सभ्यताएं हैं। सबसे पहले जानते हैं कि सभ्यता क्या है। इसकी कोई विशिष्ट परिभाषा नहीं है। इसके अर्थ को समझकर यह कहा जा सकता है कि सभ्यता मानव के सामाजिक एवं भौतिक विकास को बताती है। इसे मानव के प्रारंभिक विकास का पता चलता है। अतीत से लेकर वर्तमान तक मनुष्य ने जो संपूर्ण उन्नति की, चाहे वो भौतिक, मानसिक या आध्यात्मिक रूप से हो, उसे हम सभ्यता कहते हैं। यह भी कहा जा सकता है कि मनुष्य द्वारा प्रकृति से प्राप्त साधनों और अपने मस्तिष्क का उपयोग कर जो भौतिक प्रगति की है, उसे सभ्यता कहा जा सकता है। सभ्यताएं परिवर्तनशील और प्रगतिशील होती है। प्राचीन काल में मानव जंगली जीवन जीते थे। प्रारंभ में मानव सर्दी गर्मी बरसात को सहन करता हुआ जंगलों में रहते थे। कालांतर में इनसे बचने के लिए गुफाओं, कच्ची झोपड़ियों में रहना शुरू किया। वर्तमान में गगनचुंबी इमारतों को देखा जा सकता है। पहले मानव जीवन यापन के लिए कंद मूल और शिकार पर निर्भर रहते थे। इसके बाद मानव ने कृषि, पशुपालन और व्यवसाय करना शुरू किया। प्रारंभ में मानव आवागमन अपने पैरों से करता था। उसके बाद उसने बैल, ऊंट और घोड़ों से काम लिया। वर्तमान में कार, ट्रेन, एरोप्लेन आदि कई आविष्कार देखे जा सकते हैं। इतना ही नहीं, अब तो इंसान मंगल ग्रह और चांद पर बसने की योजना बना रहे हैं। मानव के जीवन स्तर में इसी परिवर्तन को सभ्यता कहा जाता है। अब हम लोग जानते हैं कि संस्कृति क्या है तथा इसका अर्थ। मनुष्य केवल भौतिक सुख सुविधाओं से ही संतुष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि भौतिक साधन केवल शरीर की प्यास मिटा सकती है, मन की शांति को नहीं। मानव ने अपने मन और आत्मा को तृप्त करने के लिए जो अपने अंदर विकास किया है, उसे संस्कृति कहते हैं। संस्कृति मानव के मनोभाव, विचारधारा और कर्म से निर्मित होती है। जैसे हम मन को शांत रखने के लिए नृत्य, संगीत आदि मनोरंजन करते हैं, संस्कृति मानव के संस्कारों पर आधारित होती है। ये संस्कार मानव के मन, मस्तिष्क और आत्मा से जुड़े होते हैं। विभिन्न संस्कृतियों से ही बृहत सभ्यता का विकास होता है, अर्थात संस्कृति सभ्यता का ही अंग है, जिसमें मनुष्य के जीवन यापन, रहन सहन, रीति रिवाज आदि शामिल होते हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि सभ्यता मानव द्वारा भौतिक क्षेत्रों में प्रगति को बताती है, जबकि संस्कृति मानव जीवन के आध्यात्मिक, मानसिक विकास को बताती है। अब हम लोग जानते हैं सभ्यताओं के प्रकार के बारे में। विश्व की सभी प्राचीन सभ्यताएं नदियों के किनारे पनपी थी, जैसे सिंधु नदी के तट पर सिंधु सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, मिस्र की नदी के तट पर मेसोपोटामिया या मिस्र की सभ्यता। इसके अलावा माया सभ्यता, चीन की सभ्यता, नील नदी की सभ्यता आदि विश्व की प्राचीनतम प्रकार की सभ्यताएं हैं। अब जानते हैं सिंधु या हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यता में से एक है। यह प्राचीन काल में बहने वाली नदी सिंधु नदी के तट पर बसी थी, इस कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया है। इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि 1921 में इस क्षेत्र में सर्वप्रथम खोजा गया शहर हड़प्पा ही था। इस सभ्यता का उद्भव ताम्रपाषाण काल में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में हुआ था। यह सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इसका विस्तार उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में गुजरात तक और पश्चिम में बलूचिस्तान से लेकर उत्तर प्रदेश के मेरठ तक था। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त महत्वपूर्ण स्थल निम्नलिखित है: हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगा, रोपर आदि स्थल मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक एवं धार्मिक जीवन कैसा था? हड़प्पा सभ्यता में समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार होती थी। समाज मुख्य तौर पर मातृसत्तात्मक था। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर यहाँ मातृदेवी की पूजा की जाती थी। इसके अलावा हड़प्पा कालीन लोग पशुपति देवता, लिंग, योनि, पशुओं तथा वृक्षों की पूजा करते थे। साथ ही वे टोने टोटके, तंत्र मंत्र, ताबीज आदि पर विश्वास रखते थे। अब जानते हैं हड़प्पा सभ्यता नगर योजना। यह सभ्यता अपने नगर नियोजन प्रणाली, जल निकासी प्रणाली और सफाई के लिए जानी जाती है। शहर दो भागों में विभक्त था, एक को दुर्ग कहा जाता था, जहां आमतौर पर शासक, उच्च और कुलीन वर्गीय लोग रहते थे, जबकि दूसरा शहर के निचले भाग में था, जहां सामान्य जनता निवास करती थी। शहर के ग्रिड प्रणाली पर आधारित थी, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। आमतौर पर प्रत्येक घर में आंगन, जल के स्रोत के रूप में एक कुआं, एक रसोई घर और एक स्नानागार था। घरों के दरवाजे मुख्य सड़क के सामने न खुलकर गली की ओर होते थे। घरों के निकट छोटी छोटी नालियां, जो मुख्य सड़क के पास बड़े नाले में मिलती थी। इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन सुव्यवस्थित था। अब जानते हैं हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन। यह सभ्यता मुख्य तौर पर नगरीय थी, परंतु यहाँ कृषि, पशुपालन और व्यापार किया जाता था। वस्तुओं का आदान प्रदान विनिमय द्वारा होता था। यहाँ के लोग गेहूँ, जौ, राई, मटर आदि की खेती करते थे। लोथल नामक स्थल से चावल की खेती के साक्ष्य भी मिले हैं। इस सभ्यता के लोग बैल, भैंस, बकरी, कुत्ते, भेड़, सुअर तथा बिल्ली पालते थे। साथ ही ये लोग हाथी तथा गेंडे से भी परिचित थे।
सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के जीवन में व्यापार का अधिक महत्व था। वे पत्थर, धातु तथा हड्डियों से बने मनकों का व्यापार करते थे। इस सभ्यता से लिपि भी मिली है जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। यहाँ की लिपि भावचित्रात्मक थी जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। हड़प्पा सभ्यता का अंत किस प्रकार हुआ? हड़प्पा सभ्यता के विनाश के बारे में अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है। कोई मानता है कि इसका विनाश प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, अकाल या भूकंप से हुआ है, लेकिन कुछ इसके अंत का कारण बाहरी आक्रमण को मानते हैं। उसके बाद है वैदिक सभ्यता। इतिहासकारों ने वैदिक काल को दो भागों में बांटा है, एक ऋग वैदिक काल यानी 1500 से 1000 ईसा पूर्व और दूसरा उत्तर वैदिक काल यानी 1000 से 600 ईसा पूर्व। आर्यों द्वारा स्थापित यह सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। सर्वप्रथम आर्य पंजाब और अफगानिस्तान के क्षेत्रों में बसे थे। आर्यों के नाम पर ही इसका नाम वैदिक सभ्यता पड़ा। आर्यन संस्कृत के ज्ञानी थे। वैदिक सभ्यता से हिंदू धर्म का सूत्रपात हुआ है। वैदिक सभ्यता के स्रोत हमें वेदों से मिलते हैं। वेद मूल रूप से चार हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों को आज भी हिंदू धर्म में पवित्र ग्रंथ माना जाता है। इन चार वेदों में ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। संस्कृत भाषा में लिखित इन वेदों में वैदिक सभ्यता की संपूर्ण जानकारी मिलती है। वैदिक समाज में परिवार पितृप्रधान होता था, अर्थात परिवार का मुखिया पिता होता था, जिसे गृहपति कहा जाता था। संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलन में थी। समाज में स्त्रियों की स्थिति सम्मानजनक थी। वैदिक सभ्यता में समाज चार वर्गों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बांटा गया था, जिसका वर्णन ऋग्वेद के 10वें मंडल में बताया गया है। इन वर्णों का सामाजिक स्तर भिन्न भिन्न था, जो इन क्रम पर आधारित था, जिसमें ब्राह्मण वर्ग सबसे उच्च तथा शूद्र सबसे निम्न था। स्त्री को शिक्षा और वर चुनने का अधिकार था। निर्धनता, भुखमरी, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह आदि ऐसे कुरीतियों का स्थान नहीं था, अर्थात वैदिक समाज का सामाजिक जीवन सुव्यवस्थित था। अब वैदिक काल में धार्मिक जीवन को जानते हैं। ऋग वैदिक काल में एकेश्वरवाद प्रचलन में था, अर्थात एक ही ईश्वर को मानते थे, जबकि उत्तर वैदिक काल में बहुदेवतावाद प्रचलित था, यानी बहुत सारे ईश्वर को मानते थे। ऋग वेद में 33 देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। वैदिक काल में यज्ञ की महत्वता बहुत अधिक थी, जैसे अश्वमेघ यज्ञ जिसमें अश्व यानी घोड़े की बलि दी जाती थी तथा पुरुषमेघ यज्ञ जिसमें पुरुष की बलि दी जाती थी आदि प्रचलन में थे। अब चलते हैं उनके आर्थिक जीवन की ओर। वैदिक सभ्यता का आर्थिक जीवन कृषि और पशुपालन पर निर्भर था। यहाँ के मुख्य फसल यज्ञ थी। व्यापार अत्यंत सीमित था। ये लोग तांबे और कांसे से परिचित थे। घरेलू उद्योगों का चलन था, जैसे बढ़ई, कुम्हार, चर्मकार, वस्त्र बुनाई एवं दरी उद्योग आदि। वैदिक सभ्यता का अंत। वैदिक सभ्यता के अंत के बाद महान जनपदों का निर्माण हुआ। इसके बाद वैदिक सभ्यता का प्रभाव कम हो गया था। अब चलिए जानते हैं मिस्र की सभ्यता के बारे में। इस सभ्यता को नील नदी की सभ्यता भी कहा जाता है। यह सभ्यता विश्व की सबसे लंबी नदी नील के तट पर विकसित हुई थी, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। मिस्र सभ्यता अपने आप में काफी रोचक और रहस्यमय है। मिस्र का इतिहास 3400 ईसा पूर्व से भी पुराना रहा है। संभवतः इस सभ्यता को सर्वप्रथम इथोपिया, नूबी और नीलियम जातियों ने जन्म दिया। मिस्र सभ्यता तीन कालखंड, पिरामिड काल, सामंतशाही काल और साम्राज्यवाद काल में बटी हुई है, जिसमें पिरामिड काल सर्वाधिक रोचक एवं गौरवपूर्ण रहा था। इसके सामाजिक जीवन के बारे में आप जानते हैं। मिस्र सभ्यता में निरंकुश राजतंत्र चलता था। राजा का पद वंशानुगत होता था। सामंत और पुरोहितों की सहायता से राजा राज्य शासन संचालित करता था। मिस्र की जनता राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि मानती थी। प्राचीन मिस्र में समाज कई वर्गों में बटा हुआ था, जैसे राजवंश, पुरोहित, सामंत, ये सभी उच्च वर्ग के थे। व्यापारी मध्यम वर्ग, जबकि किसान, दास एवं अन्य निम्न वर्ग में आते थे। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर यह माना जाता है कि यहाँ के लोग मनोरंजन के लिए नृत्य, संगीत, नटबाजी, पशु खेल, जुआ आदि करते थे। अब इसके धार्मिक जीवन की ओर चलते हैं। मिस्रवासी आस्तिक थे, अर्थात ईश्वर को मानते थे। ये लोग सूर्य पूजा को अधिक महत्व देते थे तथा सूर्य, नदियाँ और चंद्रमा को प्राकृतिक शक्तियों का प्रतीक मानते थे। आर्थिक जीवन यानी मिस्रवासी कृषि पशुपालन के अलावा व्यापार भी करते थे। यहाँ के लोग धातु, लकड़ी, मिट्टी एवं कांच और कपड़े के काम में कुशल थे। ऐसे घरेलू उद्योग शुरू हुए। व्यापार संभवतः वस्तु विनिमय द्वारा होता था। उस समय अरब और इथोपिया इसके निकटवर्ती व्यापारिक केंद्र थे। अब जानते हैं गीजा के पिरामिड के बारे में। गीजा के पिरामिड क्या है? पिरामिड मिस्र सभ्यता की कला और स्थापत्य का बेजोड़ नमूना है, जहां पर मिस्र के राजा रानियों के मरने पर उन्हें दफनाया जाता था। इस तरह से उन्हें समाधि स्थल कहा जा सकता है, जो कई सौ ऊंचे और कई सौ चौड़े बनाए जाते थे। पिरामिड बनाने के पीछे संभवतः कोई धार्मिक कारण रहे होंगे। इन पिरामिडों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मिस्रवासी गणित और ज्यामिति से परिचित रहे होंगे। इन्हें आज भी देखा जा सकता है। यह मिस्र की प्राचीन संस्कृति का जीता जागता सबूत है। यह इतने आकर्षक और इतने विशाल है कि इन्हें विश्व के सात अजूबों में गिना जाता है। पिरामिड मिस्र की सभ्यता की शान है। अब जानते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में।
इसे इराकी सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि वर्तमान में जहां इराक और सीरिया जैसे देश बसे हैं, वहां हजारों ईसा पूर्व यह सभ्यता फली फूली थी। मेसोपोटामिया मूलतः दो शब्दों से बना है, मेसा यानी मध्य में तथा पोटामिया यानी नदियां, अर्थात दो नदियों के बीच का क्षेत्र। मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फरात नामक दो नदियों के मध्य विकसित हुई थी। यह सभ्यता चार अन्य सुमेरिया, बेबीलोन, असीरिया, केल्डिरिया सभ्यताओं का विस्तृत रूप थी। इसके बारे में इतिहासकार मानते हैं कि सुमेरिया ने इसे जन्म दिया, बेबीलोन ने इसे विकसित किया तथा असीरिया ने इसे आत्मसात किया। ऐसा माना जाता है कि मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों ने सर्वप्रथम खेती और पशुपालन शुरू किया था। यहाँ के लोग आस्तिक थे, यहाँ देवताओं को पूजा जाता था। मेसोपोटामिया सभ्यता के अंत के विषय में कहा जाता है कि सिकंदर महान ने 331 ईसा पूर्व इसे नष्ट किया और इस पर अधिकार कर लिया था। अब जानते हैं माया सभ्यता के बारे में। इसे माया सभ्यता या मेक्सिको की सभ्यता या अमेरिका की प्राचीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इस सभ्यता का विस्तार मेक्सिको, ग्वाटेमाला, होंडुरस और युकाटन द्वीप तक था। माया सभ्यता का आरंभ लगभग 1500 ईसा पूर्व माना जाता है, जिसमें 300 से 900 ईसा पूर्व के मध्य अपने चरमोत्कर्ष पर था। इतिहासकार इस सभ्यता को भारतीय सभ्यता की मिली जुली सभ्यता मानते हैं, क्योंकि माया भी एक भारतीय शब्द है और इसके उत्खनन से प्राप्त साक्ष्यों में भगवान गणेश और सूर्य की प्रतिमा मिली है, जिससे यह प्रतीत होता है कि इसका प्राचीन भारतीय सभ्यताओं से संबंध था। आज का वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट कर बताएं, और इसे मजेदार वीडियो के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।